बंड नया लगाया मैंने तो इससे इसको स्ट्रेच हो रहा है और मजा आ रहा है। देखो कितनी तगड़ी ग्रिप लगा रहा है, ये लोग मुंह से फाड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरपीएन ब्लॉग। रोलेक्स अभी इसका घाव चेक करता हूँ कि रात में थोड़ा सा भी भरा है कि ज्यादा बढ़ गया है, उसके हिसाब से इसकी ग्रिप लगाएंगे नहीं तो नहीं लगवाएंगे। पर उससे पहले जॉय को बाहर निकालता हूँ, कभी से दरवाजा बजा रहा है। देखो आ गया बाहर, अब सो ये जाएगा गेट के बाहर फ्रेश होने के लिए सीधे, जो चला गया तो मैं गेट लगा देता हूँ, उसके बाद रोलेक्स को निकालता हूँ, नहीं तो अचानक आ जाएगा तो फाइट भी हो सकती है। तो अभी चेक किया गाइस मैंने, रोलेक्स के घाव भर गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। और ये पिछले 3-4 दिनों से वैसे भी ग्रिप नहीं लगा रहा है, अपनी बाहर इसको घुमाने ले जा रहा हूँ तो इसमें करंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे को डर लग रहा था कि फिर फाइट ना हो जाए, इसलिए आज इसको ग्रिप के लिए मैंने लगाने दिया कि ग्रिप लगा लीजिए। और इसको आ रहा है मज़ा ग्रिप लगाने में। देखो कब फाड़ दिया इस कपड़े को, भी थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसका भी काम तमाम ही करने वाला है, तो लगाने देता हूँ जब तक इसका मन करे। वैसे भी 4 दिनों से नहीं लगाया है, थोड़ी देर लगा लेने देते हैं। ये देखो पिलर में फंसा के कैसे ग्रिप लगा रहा है। यहाँ पे रबड़ लगाया है मैंने नया वाला, पहला पुराना तो टूट गया था। रबड़ नया लगाया मैंने तो इससे इसको स्ट्रेच हो रहा है और मजा आ रहा है। देखो कितनी तगड़ी ग्रिप लगा रहा है, ये देखो अब धीरे धीरे आवाज भी निकाल रहा है। वाह क्या सीन है, कट्स भी देखो एकदम विजिबल हो रहे हैं धीरे धीरे। इधर से जॉय आ गया, इसको जल्दी बांधता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फाइट भी हो सकती है। कम जॉय कम, फिर बाहर भाग गया साला। अबे साले चला, वाह वाह वाह, डर रहा है रोलेक्स से थोड़ा सा। रोलेक्स इधर अभी ग्रिप में लगा हुआ है, देखो वहाँ पे। तो इसको तो ग्रिप लगाते हुए आधे घंटे हो गए गाइस, लेकिन अभी तक ये अपना ग्रिप नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मुझे बहुत सारा काम है, अब इतना बहुत है, इसकी ग्रिप हो गई, अब चलता हूँ, उसको खाना ला के दे देता हूँ। तो पहले से आके वहाँ पे बैठा हुआ है, पर उसके घाव जल्दी भर नहीं रहे, आज इसको फिर एक इंजेक्शन देना पड़ेगा तभी भरेगा। देखो फाड़ दिया पूरा कपड़ा ही, कपड़े का पूरा, देखो कितने कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, 50 टुकड़े हो गए कपड़े के भी। बांधता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा ग्रिप हो गई है। ऑल राइट गाइस, मैं खाना लेके आ गया हूँ, रोलेक्स का भी और जॉय का भी, दोनों खाना देता हूँ। उसके बाद मुझे निकलना है फिर बलिया के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है शादी के लिए। बलिया तो आ गए हैं, लेकिन पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है। तो फाइनली हमारा खाना आ गया है, हांडी पनीर और रोटी, अब खाते हैं उसके बाद चलेंगे शॉपिंग के लिए। तो उड़ाएंगे क्या, लगाने के बाद उड़ाएंगे क्या? लगाइए देखते हैं कौन सा, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला। A few moments later. तो अभी अभी का आ रहा हूँ गाइस मैं शॉपिंग वॉपिंग करके बलिया से। देखो रोलेक्स कितना एक्साइटेड लग रहा है, वैसे शाम भी हो गई है, देखते हैं अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो इसको लेके चलेंगे दौड़ाने के लिए। आज बहुत दिन से दौड़ाया नहीं है इसको। चल के थोड़ा जॉय का भी हाल लेता हूँ, कैसा है वो, उसका घाव देखते हैं। इसको प्रॉब्लम ये है कि दवा लगाओ तो इसमें रगड़ के दीवार में सारे दवा पोस देता है, इसलिए इंजेक्शन सही सही होता है। वैसे तो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुला के देखता हूँ एक बार। कम बोए, देखो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार घाव चेक करता हूँ इसका, घाव भी ठीक है। कल एक इंजेक्शन दिया था, एक और इंजेक्शन दे देंगे तो इसका घाव सूख जाएगा। ये देखो सूखना शुरू हो गया सर पे, देखता हूँ मैं। हाँ एक और इंजेक्शन देने की बस देरी है, उसके बाद इसका घाव सूख जाएगा। बात तो सही है, जब भी मैं इसके पास आता हूँ तो उसको जेलसी फील होती है, लगता है भौंकने और लगता है कूदने। तो अभी इसका ध्यान है बंदर पे, ये देखो यहाँ सामने एक बंदर बैठा हुआ है, ये देखो छत पे, इसी पे वो उसका ध्यान है और एग्रेसिव हो रहा है उसको देख देख के। और कल तो इसको घुमाने का टाइम ही नहीं मिला, आज टाइम मिला है तो लेके जाना पड़ेगा घुमाने इसको। लेके चलते हैं, थोड़ा सा रनिंग वनिंग करा के आते हैं, इसका करंट निकलवा के, देखो कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, कभी से भौंक रहा है। जब इसकी रनिंग करवा के आएंगे तो फिर जॉय को भी खोल देंगे, वो भी बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाएगा, उसका थोड़े से में ही हो जाता है, इसका करंट थोड़े से में नहीं निकलता है। तो रोलेक्स को तो खोल दिया मैंने, और एक स्टिक लेनी पड़ेगी सेफ्टी के लिए, एक ऑनलाइन स्टिक मंगाऊंगा मैं, ये स्टिक थोड़ी देसी से लगती है लेकिन फिर भी ठीक है। और ये देखो सामने पिग है, देखो उस पर कितना ज़्यादा एग्रेशन कर रहा है, ये लोग मुंह से फाड़ देते हैं। वैसे पिक्स में बहुत सारा बैक्टीरियाज होता है, थोड़ा भी टच करा है तो कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही खींच लिया था इसको। नहीं तो ये तो अब सब पे अटैक कर रहा है, इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, गाय भैंस पिग बकरी कुत्ता किसी पे भी मार दे रहा है अटैक। ये देखो आज फिर पीछे से स्ट्रीट डॉग आ गए हैं, वो भी बेचारे कोई गलती नहीं है, उनका भी टेरिटरी होता है, उसमें मेरा डॉग आया है तो मान लो करेगा ही। तो स्ट्रीट डॉग से लड़ते लड़ते हर चीज़ से झेल के फिर आ गए हम ट्यूबवेल पे। अब रोलेक्स कॉनलिस करता हूँ, थोड़ी सी इसकी रनिंग करवाता हूँ। तो देसी जुगाड़ बन के रेडी हो गया है इसका रनिंग कराने का, और अभी वेट ही कर रहा है, अब इसको मैंने बोला स्टे करने के लिए, नहीं तभी इसको फाड़ ही देता। कैमरा सेट करता हूँ, इसकी रनिंग शुरू करता हूँ।
तो वीडियो में एक चीज तो देखा होगा आप लोगों ने, मैं जब नो बोल रहा हूँ तो वो कपड़ा छोड़ दे रहा है। वो बहुत जरूरी है कमांड सिखाने के लिए कि थोड़ा कंट्रोल रहे इस पे। बाय द वे, किसी पे एग्रेसिव हो गया, किसी पे ग्रिप लगा लिया, तो मैं चाहता हूँ नो बोलने पे वो छोड़ दे, कम से कम कमांड सुन। बहुत सारे एपीबीटी और पिटबुल होते हैं कि वो कमांड नहीं सुनते, एक बार एग्रेशन में आ जाते वो फिर वो किसी की नहीं सुनते, एकदम फाड़ी डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि कमांड हमेशा सुने, कितना भी एग्रेशन में रहे, कितना भी कुछ भी रहे, कम से कम एक बार बोलूँ तो छोड़ दे। और रनिंग इसकी ज़्यादा कराई नहीं मैंने, क्योंकि इसका घाव अभी आधा ही भरा है, थोड़ा बहुत है अभी, लेकिन पूरा भर गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो थोड़ी बहुत ही रनिंग कराई मैंने, ज़्यादा नहीं कराई, क्योंकि बाय द वे कोई पेन ऑन होने लगा तो फिर से फीवर आ सकता है। पर देखो कपड़े को लेकर फाड़ने में लगा हुआ है। पर देखो ये कितना मस्त टॉप का नज़ारा लग रहा है, चारों ओर हरा हरा हरा, सनसेट होने वाला है, एकदम पीली पीली धूप चारों ओर जा रही है, एकदम मस्त। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। रोलेक्स की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत रनिंग कराई दी है, बाहर घुमाई दिया है, इतना तो बहुत है इसके करंट निकालने के लिए। अब लेकर चलेंगे घर इसको, और घर जाके फिर जॉय को भी बाहर थोड़ा सा खोल देंगे, वो भी बाहर से घूम के आ जाएगा, उसको भी रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं दिन भर बाहर ही था। देखो रोलेक्स अभी पीछे कपड़े में लगा हुआ है, देखता हूँ बुलाने पे आता है कि नहीं। बॉय रोलेक्स, कम बॉय, गुड बॉय, कम 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 बॉय कम, आ तो गया है बुलाने पे। तो वैसे धीरे धीरे कमांड सीख रहा है ये, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बातें सुनने लगा तो, नहीं तो एक बार जब डॉग्स बड़े हो जाते हैं तो फिर कोई भी कमांड नहीं सुनते अगर उन्हें बचपन से ना सिखाया जाए तो। देखो जॉय को अंदर भौंकता हुआ देख रहा है, कितना तगड़ा प्रेशर लगा रहा है अंदर, जॉय भौंक रहा है, सब बंदर आए होंगे उन्हें देख के भौंक रहा है। तो फाइनली हम आ गए हैं घर गाइस, रोलेक्स को बांध दिया है, चलता हूँ इसके लिए चिकन लेके आने। जॉय को भी थोड़ी देर खोल लेते हैं, ये भी बाहर से घूम के आ जाएगा। तो फाइनली रात हो गई है गाइस, और डॉग से खाने का टाइम हो गया है। देखो रोलेक्स को पहले खाना देता हूँ, देखो कैसे अंगड़ाई तोड़ रहा है, इसको पहले वहाँ शिफ्ट करता हूँ, नहीं तो ठंडी लगेगी इसको, उसके बाद देंगे खाना।